Hello friends, welcome to my channel VS Education Sub Map. In this video, wrong number series के कुछ questions जो कि exam point of view से important questions हैं, regular basis पे series चल रही है, first times first wrong number series and second missing number series and arithmetic questions. Regular basis पे video upload करता हूँ, अगर आप नहीं देख रहे regular basis पे तो please देखिए 100% my motto only for your practice. More than ज़्यादा से ज़्यादा questions आपके लिए practice करवा सकूँ, चाहे exams में आपके लिए थोड़ा obstacles ना है, थोड़ी बाधा ना पहुंचे आपको, तो एग्जाम्स अटेंड करने में कोई भी क्वेश्चन इशू चाहिए, मैथ्स के क्वेश्चन इशू, अर्थमेटिक मैथ्स का हो चाहे लॉन्ग नंबर सीरीज का, कोई भी क्वेश्चन हो उसके लिए करने में आपको थोड़ा आसानी महसूस हो. इसी के बेस पर मैं रोजाना एवरी डे आपको प्रैक्टिस के बेसिस पे सेशंस देता हूँ. लॉन्ग नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चन है, मिसिंग में के भी कुछ क्वेश्चन दे चुका हूँ लास्ट वीडियो में, और अर्थमेटिक के वीडियो भी अपलोड करता हूँ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, अगर आपकी इंग्लिश भी वीक है तो इंग्लिश का भी वीडियो में रेगुलर बेसिस में मॉर्निंग में अपलोड करता हूँ, अगर आप नहीं देखते हैं तो प्लीज जाके देख लीजिएगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी का सेशन है, 100% आप इंग्लिश अच्छी हो जाएगी. ओके, लेट्स बिगिन द सेशन. एंड बिफोर दैट, यू आर न्यू स्टूडेंट इन माय चैनल, सो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए. ओके, आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया हो चैनल. आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे रॉन्ग नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे अपन. 5 क्वेश्चंस है, कंप्लीट वीडियो देखिएगा. अगर कोई भी क्वेश्चंस में डाउट हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा वीडियो को पुश करके. आप भी कोशिश करिएगा बनाएंगे, अगर सॉल्यूशंस ना हो तो प्लीज मेरा सॉल्यूशंस भी देखिएगा. ओके, एंड देखिए क्वेश्चंस फर्स्ट है. देखिए, रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज, अगर आप क्वेश्चंस मेरे साथ रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चंस इजी रहेंगे, अदरवाइज ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं. ओके, एसबीपीयू लेवल के क्वेश्चंस है, थोड़े पीयू लेवल के टाइप के क्वेश्चंस है, क्लर्क टाइप क्वेश्चंस नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा. आप भी वीडियो को पॉज करके बनाइएगा. ओके, मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज में दोनों में डिफरेंस यही है कि मिसिंग नंबर सीरीज थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग कम होती है, रॉन्ग नंबर सीरीज थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होती है. अगर एक बार में कुछ लोग पता चल रहा है 10 टू 15 सेकंड में तो प्लीज वेल एंड गुड, एंड अदरवाइज यू आर स्किप दिस क्वेश्चन. ओके, टाइम कंज्यूमिंग नहीं करना है. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, स्लो मेथड ध्यान रखिएगा. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से 1341, 857, 645, 529 एंड 471 एंड 442. दिस इज द स्लोप मेथड इज प्लस माइनस डिफरेंस बेस नंबर सीरीज है. ओके, कैसे पता चला सर? तो सर देखिए, 4 यहां से 471 से 442 ही हो रहा है, इसका मतलब डिफरेंस ही हुआ, मल्टीप्लाई होगा, चाहे वाली 1.5 से करो चाहे 2 से करो, बहुत ज्यादा जाएगा. देखिए सॉल्यूशन देखते हैं. सॉल्यूशन देखिए, 1341 से 857 लेस कीजिए, यानी कि 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4. ओके, यहाँ 13 माइनस 5 इज इक्वल टू 8. ओके, 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4, राइट, 484. अभी तो अपने को कुछ पता नहीं चला, नेक्स्ट टर्म्स देखते हैं अपन. 7 माइनस 4 2, 5 माइनस 4 7 माइनस 5 2, 5 minus 4, 1, and 8 minus 2, 6. यहाँ से कुछ पता चल रहा नहीं. नेक्स्ट टर्म्स देखें, यहाँ ही मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ रॉन्ग है इन तीनों में से. देखते हैं, यहाँ देखते हैं, 15 minus 9 is equal to 6, right? 15 minus 9 is 6, and 4 minus 3 minus 2 is equal to 1, and then 6 minus 5 is equal to 1. बिल्कुल सही है. नेक्स्ट टर्म्स देखते हैं, 9 minus 1 is equal to 8, and 52 minus 47, यानी कि 3 और 2, 5. बिल्कुल सही है. एंड देन 11 minus 2, 9, and then 47, यानी कि 46 minus 42, this is the 29. यहाँ से मैंने कहा ना, यहाँ कुछ रॉन्ग है. देखिए यहाँ तक अपने को पता नहीं चला, यहाँ से अपन देख सकते हैं 116 का हाफ, इसका हाफ कीजिए तो 58, इसका हाफ कीजिए तो 29. ओके, तो इसका मतलब यहां तक नंबर सीरीज इज द करेक्ट है, यानी कि इन दोनों टर्म में रॉन्ग है, इन दोनों टर्म में इसका मतलब यही रॉन्ग है, तभी ये क्वेश्चन रॉन्ग है. तो इसका मतलब यहां पर आना चाहिए 216 का डबल कीजिए, 100 का डबल कीजिए, 216 का डबल कीजिए 32, यानी कि 232 आना चाहिए यहाँ पर, 2, यानी कि 857 is the wrong answer. B options is the correct. Okay, 857 is the wrong answer. Okay,
यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा 7 4 3 7 एंड देन 6 8, यानी कि 877 यहाँ पर आना चाहिए 857 की जगह। आई होप यू विल गॉट इट वेरी वेल। तो प्लीज लाइक बटन पे प्रेस कीजिए, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ ताकि वह भी क्वेश्चंस जान सके। ओके, सेकंड क्वेश्चंस देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 5 से 6, 6 से 14, 14 से 55, 45, 45 से 184, 184 से 920, यानी कि 920। ओके, देखिए क्वेश्चंस देखिए, आपको स्लोप मेथड आपको आई होप आपको पता चल गया होगा। देखिए स्लोप मेथड यहां से देखिए 920, यानी कि 5 से 920 जा रहा है, इसका मतलब मल्टीपल मेथड है। ओके, स्लोप मेथड आपको तुरंत क्वेश्चन रीड करते ही स्लोप मेथड आपके दिमाग में क्लिक कर देना चाहिए। अगर ना क्लिक करे, रॉन्ग नंबर सीरीज ऐसी है, अगर ना क्लिक करे तो क्वेश्चंस को स्किप करिए और आगे बढ़िए। टाइम मैनेजमेंट आपको नहीं करना, जैसे कि अगर रोजाना एवरी वीडियो में मैं कहता रहता हूँ, प्लीज टाइम कंज्यूमिंग मत करिए, आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, याद रखिएगा। ओके, देखिए 5 से 6 लाना है, यानी कि इंटू 1 इंटू प्लस 1 कर सकते हैं अपन, राइट, इंटू 1 प्लस 1, ये 6 से 14, यानी कि इंटू 2 प्लस 2 कर सकते हैं, बिल्कुल सही मिल रहा है, इसका मतलब दो नंबर सीरीज अपने मिल गई। याद रखिए तीन नंबर मिलते ही अगर नेक्स्ट टर्म अपने मिल गया तो क्वेश्चंस बिल्कुल इसी फ्लो में चलता रहेगा। 14 से 45, यानी कि 3 प्लस 3, 14 3 से 42 प्लस 3, यानी कि 45। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड देन इंटू 4 प्लस 4, 3 टर्म मिल गया। अगर अपने को कैलकुलेशंस करनी देखनी नहीं है, पहले लिख देते हैं एंड देन इंटू 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 5। अब देखिए, अब क्वेश्चंस की कैलकुलेशंस कीजिए, 45 इंटू 4, यानी कि 45 टू जा 90 का डबल्स 180, 180 प्लस 4 इज इक्वल टू 184, यानी कि यहां तक से इसका मतलब ये रॉन्ग होगा चाहिए। 8 184 का मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, 10 से मल्टीप्लाई कीजिए 840 840, हाफ कीजिए 9, हाफ कीजिए 920 प्लस 5 कर दीजिए, यानी कि 925 में यहाँ आना चाहिए, 920 की जगह 925। ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ई ऑप्शन 920 की जगह 925 आना चाहिए, इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप यू हैव गॉट इट वेरी वेल। याद रखिएगा स्लोप मेथड, याद रखिए मल्टीपल मेथड, नंबर सीरीज चल रही है, क्वेश्चंस दिमाग में रीड करते ही दिमाग में स्लोप मेथड क्लिक कर देना चाहिए। ओके, आई होप यू हैव गॉट इट वेरी वेल। क्वेश्चंस अच्छे लगे हुए तो प्लीज लाइक के बटन पे शेयर कीजिए, बटन पे प्रेस कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, ताकि वह भी क्वेश्चंस दे सके, प्रैक्टिस कर सके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चंस देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 20 से 56, 56 से 120, 120 से 182 एंड देन 272। ओके, 272, 182, 120 और 56 और 20, ये आपको क्वेश्चंस, अगर आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस की हुई हैं तो ये ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चंस आपके लिए माइनस प्लस मल्टीपल मेथड करते रहेंगे तो क्वेश्चन सॉल्यूशंस नहीं होगा, मेरे को देखते ही क्वेश्चंस पता चल गया पढ़ते ही। देखिए 20 से 56 नहीं, ये एक समय से कह सकते हैं स्लोप मेथड नहीं है, ये अपन कह सकते हैं 5 का स्क्वायर कह सकते हैं, 5 का स्क्वायर मैं बताऊंगा मेरे को कैसे पता था, 5 का स्क्वायर कह सकते हैं -5, राइट, ये 8 का स्क्वायर कह सकते हैं, 8 का स्क्वायर -8, 8 का स्क्वायर 64, 64 -8 56, राइट, ये अपन कह सकते हैं, ये अपन कह सकते हैं 8 5 और 3 8 और 11, 11 का स्क्वायर आएगा नेक्स्ट टर्म्स, लेकिन 11 का नहीं आ रहा, -11 ऐसा टर्म आना चाहिए, लेकिन अपन तीन टर्म नहीं है तो कह नहीं सकते। ये कितना हो रहा है, देखिए 14 का स्क्वायर -14 कर सकते हैं, राइट, तो यानी कि 14 का स्क्वायर 196 से 14 लेस कीजिए इज इक्वल टू 182 इज द करेक्ट, यानी कि थ्री टर्म डिजिट अपने मिल गए तो इसका मतलब 120 इज द रॉन्ग आंसर, 120 की जगह 110 होना चाहिए, 110। ओके, 110 इज द करेक्ट आंसर, 120 इज द रॉन्ग आंसर, याद रखिए इसकी जगह 110 आना चाहिए, 120 इज द रॉन्ग आंसर।
ऑप्शंस थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई, डी ऑप्शंस याद रखिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी फॉर दैट, टाइपिंग मिस्टेक है। ओके आई होप आपको समझ में आया होगा कि 14 का देखिए 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस है 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, और 14 और 3 17, 17 का स्क्वायर माइनस 17 अपन कर सकते हैं, यानी कि 272, बिल्कुल सही है, 289 माइनस 17 इज इक्वल टू 272। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, माफी चाहता हूँ आप सभी से, 1110 नहीं होना चाहिए, 1110 की जगह अदर डिजिट आनी चाहिए, तो थोड़ा माफी है। ओके सॉरी फॉर दैट। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, 4 से 9, 9 से 11, 11 से 28, 28 से 93, 93 से 350। ओके 350, यानी कि यहां पर डिफरेंस अपन कह सकते हैं 5 का, 9 से 11 का 2 का डिफरेंस, कोई डिजिट नहीं मिल रहा, 11 से 28 का, 11 से 28 यानी कि 11 से 28 7 और 7, 7 और 10 यानी कि 17, 28 से 93, 28 से 93 का डिफरेंस देखिए, 2 ऐड कीजिए 30 और 60 63, 2 ऐड कीजिए इसमें 30, 30 में 30 ऐड कीजिए, 30 में 60 ऐड कीजिए 16, 63 और 65, एंड देन नेक्स्ट टर्म्स 8, इसमें 7 ऐड कीजिए 100, 100 और 100 में 100 ऐड कीजिए 200, 300 200 250 और 250 257। ओके आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चंस, एंड नेक्स्ट टर्म्स देखिए, यहाँ ये आपको पता चल रहा होगा 4 का स्क्वायर प्लस 1, ये 8 का स्क्वायर प्लस 1, ये 16 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये 3 डिजिट अपने मिल गए, तो नेक्स्ट टर्म्स 2 का स्क्वायर डबल डबल हो रहा प्लस 1, 2 का डिजिट मिल गया तो अपने 3, 2 का डिजिट 4 यानी कि यहाँ 5 आना चाहिए, यहाँ 5 इसका मतलब 9 रॉन्ग है, यहाँ 5 आना चाहिए, 1 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ 2 का डिफरेंस आना चाहिए, इसका मतलब 4 और 2 यानी कि 6, 6 आना चाहिए यहाँ पर, 6 और 5 इज इक्वल टू 11, 9 की जगह 6 इज इक्वल टू बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 64 108 10 1008 532 16 12 और 5 6 6 4, दिस इज द मल्टीपल बेस नंबर सीरीज है। ओके अब देखते हैं किस टाइप से मल्टीपल बेस नंबर सीरीज है, ये तो पूरा थर्ड टाइम्स होना चाहिए, बिल्कुल एकदम करेक्ट होना चाहिए बिल्कुल। ओके ये भी थ्री पूरा थर्ड टाइम्स, ये आपको 2.5 टाइम लग रहा है, क्योंकि 400 का इसका हाफ करेंगे तो 500 के अप्रॉक्स जाएगा। ओके ये आपको 2 टाइम्स लग रहा है और ये भी आपको 1.5 टाइम्स, बिल्कुल एकदम करेक्ट बेस पर लग रहा है। ओके 64 96 प्लस 4 करेंगे अपन, ओके 1.5 प्लस 4 ये इधर 2 प्लस 8 बिल्कुल करेक्ट मिल रहा है, इधर अपन करेंगे 2 यानी कि 2 से इधर मल्टीप्लाई किया 4 0, 2 से मल्टीप्लाई किया 4 1 6 4 1 6, इसका हाफ कीजिए 104 104, इसका रिलेशन जो है इसमें से इसको ऐड कीजिए 16 प्लस 4 यानी कि 20 520 520 520 में से कितना अपन ऐड करेंगे यानी कि 12 यानी कि 4 8 4 8 2.5, एंड देन नेक्स्ट टर्म्स अपने क्या करेंगे 520 से 3 टाइम्स यानी कि 6 9 5 3 15 प्लस 4 और 6, एंड देन यहां तक तो सही है, इसका मतलब 520 5664 गलत है, इसका रॉन्ग आंसर ए ऑप्शन इज द रॉन्ग आंसर। ओके आई होप आपको समझ में आया होगा नेक्स्ट टर्म्स, ओके यू विल गॉट इट वेरी वेल, तो प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को, यहां तक बिल्कुल नंबर सही है, इसका मतलब नेक्स्ट नंबर 5664 इज द रॉन्ग आंसर। ओके सेव कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। ओके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग शेयरिंग।
and like the video, share the video, keep smiling, keep watching. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat, Shabakhair.